वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। गेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो हमने लास्ट टू वीक्स पहले स्टार्ट किए थे वो सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 15 फिलिंग द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। ये पार्ट वन है, ये सभी टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको काफी यूजफुल रहेगा। इसके पहले के वीडियोज में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की स्टडी किए थे, आने वाले दिनों में और भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें कवर करना है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ नए टाइप के क्वेश्चन भी हम आज स्टडी करेंगे जो कि फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आज हमें 15 क्वेश्चंस को स्टडी करना है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आपने अभी भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट करो ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 15 फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस को स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चंस की सीरीज आपके सामने है, यहां पे टोटल अभी 8 क्वेश्चंस है। इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, सभी के सभी फिलिंग द ब्लैंक टाइप के हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज ब्लैंक। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कंडक्टर में जो मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, चार्ज का फ्लो होना यानी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ब्लैंक इज द फोर्स दैट कॉजेस अ करंट टू फ्लो। इट मींस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो होता है वो कौन से फोर्स के वजह से फ्लो होता है इनडायरेक्टली, वो यहां पे पूछा है। तो ये होता है ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ इज द फोर्स दैट कॉजेस अ करंट टू फ्लो इन अ कंडक्टर। ठीक है, दो क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं। वोल्टेज इज अ फॉर्म ऑफ ब्लैंक एनर्जी। वोल्टेज किस टाइप की एनर्जी है वो यहां पे पूछा है। तो ध्यान में रखो वोल्टेज एक पोटेंशियल टाइप की एनर्जी है, सो इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे वोल्टेज इज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वोल्टेज एक प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी है। तीन क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं। वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल पर ब्लैंक। तो यहां पे पूछा है कि एक वोल्ट कितना होता है, एक वोल्ट यानी वन जूल पर क्या होता है, तो वो पर कूलम होता है। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कूलम, वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल पर कूलम। ठीक है, फोर क्वेश्चंस हो गए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज। देखो ओम्स लॉ का जो कर्व होता है वो किस टाइप का होता है वो यहां पे पूछा है। तो ओम्स लॉ का कर्व जो है वो लीनियर होता है। तो ये देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पे दिख रहा है लीनियर, द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज लीनियर। ठीक है, फाइव क्वेश्चंस की स्टडी कर लिए, टोटल 15 क्वेश्चंस की स्टडी करना है। आगे चलते हैं और 10 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। यहां पे जो कुछ भी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहे हैं तो आप अपने नोटपैड में जरूर लिखते जाओ, क्योंकि इस टाइप के छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। ये आपको वेराइटी ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा और आपका अगर कहीं इंटरव्यू हो रहा है, कहीं अगर वाइवा हो रहा है इंटरनल एक्सटर्नल, वहां पर भी आपको 100% हेल्प करेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने है। अ लीनियर रजिस्टर इज वन विच ओबेज ब्लैंक लॉ। जो कोई भी एक लीनियर रजिस्टर होता है वो किस लॉ को ओबे करना चाहिए, यानी वो किस लॉ को फॉलो करना चाहिए, तो वो ओम्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ओम्स। तो ये हो गया, अ लीनियर रजिस्टर इज वन विच ओबेज ओम्स लॉ। कोई भी एक लीनियर रजिस्टर ने ओम्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, ओम्स लॉ के रूल के ऊपर वो चलना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सेवन में लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अबाउट ब्लैंक। ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस लगभग कितना होता है, तो वो लगभग 1000 ओहम यानी 1 किलो ओहम होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1000 ओहम। द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 1000 ओहम या फिर 1 किलो ओहम। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट में लिखा है एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर एंड फिलामेंट लैंप्स आर मेड ऑफ हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स। दिस इज डन टू ब्लैंक द फिलामेंट लेंथ। तो क्वेश्चन में यहां पे पूछा है कि इलेक्ट्रिक हीटर के जो एलिमेंट्स है और जो लैम्प का जो फिलामेंट्स है वो हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल के बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों।
क्या रीजन है, मतलब जो फिलामेंट लैम्प होता है या जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसकी जो कॉइल होती है या फिर लैम्प की जो फिलामेंट होता है उसकी रेजिस्टिविटी काफी हाई होती है, मतलब वो काफी हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल का बनाया जाता है, ऐसा क्यों? उसका रीजन है क्योंकि फिलामेंट का जो लेंथ है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब फिलामेंट का लेंथ रिड्यूस करने के लिए ऐसा बनाया जाता है। तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक में यहाँ आएगा रिड्यूस टू, दिस इज डन टू रिड्यूस द फिलामेंट लेंथ, फिलामेंट लेंथ का, फिलामेंट लेंथ को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर एंड फिलामेंट लैंप्स आर मेड ऑफ हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल, दिस इज डन टू रिड्यूस द फिलामेंट लेंथ, ठीक है, ओके। तो ये हमने 8 क्वेश्चंस की यहां पे स्टडी कर लिए हैं, टोटल 15 क्वेश्चंस को हमें स्टडी करना है। फर्स्ट स्लाइड हो गई, आई होप आपको सभी फिल इन द ब्लैंक जो ये क्वेश्चंस हैं सभी आपको समझ में आए होंगे, जो आंसर्स हमने बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं, रिमेनिंग और जो क्वेश्चंस है वो हमें कवर करना है। तो ये देखो रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके सामने हैं, टोटल 15 क्वेश्चंस है, 8 हो गए। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट इंड्यूसेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड द ब्लैंक। तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, मतलब कंडक्टर अपने में से करंट फ्लो होने देता है, तो ये जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कंडक्टेंस। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कंडक्टेंस। देखो ये आंसर आपके सामने है, तो स्टेटमेंट ऐसा बनेगा, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट इंड्यूसेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड द कंडक्टेंस, या आप इसको कंडक्टेंस का डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मेजर्ड इन, देखो यहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का यहां पे यूनिट पूछा है कि इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होती है वो किस में मेजर्ड करते हैं, उसका यूनिट क्या होता है। तो देखो उसका यूनिट जो है वो 90% स्टूडेंट्स लोगों को नहीं पता होता, तो उसका यूनिट होता है सीमेंस पर मीटर, S/M, यानी सीमेंस पर मीटर उसका यूनिट होता है, ये ध्यान में रखना। ये नंबर ऑफ टाइम्स इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो वाइवा में पूछते हैं, या प्रैक्टिकल वाइवा जो होता है ना, इंटरनल एक्सटर्नल, या जो इंटरव्यू होते हैं कहीं पे, वहां पे इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पता होना चाहिए। सीमेंस पर मीटर जो है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का यूनिट होता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं सीमेंस पर मीटर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर्ड किया जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और 5 क्वेश्चन हमें स्टडी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन फिलामेंट लैंप ब्लैंक विद द इंक्रीज इन सप्लाई वोल्टेज। तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि सप्लाई वोल्टेज अगर इंक्रीज करेंगे तो कार्बन फिलामेंट लैंप का जो रेजिस्टेंस है उसका क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करने पर कार्बन फिलामेंट जो लैंप होता है उसका रेजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज होता है। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डिक्रीजेस, तो हम इसको ऐसा कहेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन फिलामेंट लैंप डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। तो यहां पर 11 क्वेश्चंस की हमने स्टडी कर लिए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 में है, अ क्लोज पाथ फॉर्म बाय ब्रांचेस इन अ नेटवर्क इज, मतलब कोई भी नेटवर्क में वैरायटी ऑफ ब्रांचेस जो क्लोज पाथ बनाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं लूप, या फिर बोलो मेश। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, हम यहां लिखेंगे लूप, आप मेश लिखेंगे तो भी चलता है। जनरली आपने सुने होंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इट मींस जो केवीएल होता है वो जनरली कोई ना कोई लूप में अप्लाई करना होता है, या कोई ना कोई मेश में अप्लाई करना होता है, लूप को ही मेश कहते हैं, मेश को ही लूप कहते हैं, और जो हम इसमें केवीएल जो अप्लाई करते हैं इसलिए केवीएल को लूप एनालिसिस या मेश एनालिसिस भी कहते हैं। तो ध्यान में रखना कि अ क्लोज पाथ फॉर्म बाय ब्रांचेस इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ लूप, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, व्हेन वन लेग ऑफ अ पैरेलल सर्किट गेट ओपन आउट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई विल। तो क्वेश्चन में यहां पे पूछा है कि एक पैरेलल सर्किट में अगर एक लेग अगर ओपन हो गया, देखो क्या लिखा है, व्हेन वन लेग ऑफ अ पैरेलल सर्किट गेट ओपन, अगर एक लेग अगर ओपन हो गया तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई, करंट जो सप्लाई से आ रहा है उसका क्या होगा, तो वो रिड्यूस हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पे है रिड्यूस, तो हम इसको ऐसा कहेंगे, व्हेन वन लेग ऑफ अ पैरेलल सर्किट गेट ओपन आउट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई विल रिड्यूस,
ठीक है। तो यहां पे 13 क्वेश्चंस की स्टडी कर लिए हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14-15, बस दो क्वेश्चंस और है तो वीडियो एंड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलो और दो क्वेश्चंस की स्टडी करते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 यहां लिखा है, 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ आर ओहम आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्रायंगल, द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल विल बी। तो क्वेश्चन में यहां पे पूछा है, आप कहेंगे कि यहां पे ट्रायंगल बना रहे 3 रेजिस्टेंस, इट मींस क्या ये डेल्टा हो सकता है। क्वेश्चन में यहां पे लिखा है कि 3 रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू आर ओहम है और वो तीनों एक ट्रायंगल तैयार कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल, कोई भी दो टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा, तो वो रेजिस्टेंस होता है 2/3 R। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे रहे 2/3 R। तो कोई भी दो टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो होगा 2/3 R। तो ये हम इसको ऐसा कहेंगे, 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ आर ओहम आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्रायंगल, द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स विल बी 2/3 R। 14 क्वेश्चंस की हमने स्टडी कर लिए हैं। चलो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15, एन आइडियल करंट सोर्स हैज 0 इंटरनल ब्लैंक। तो यहां पे करंट सोर्स की बात हो रही है और ये आइडियल फॉर्म में है। देखो, आइडियल करंट सोर्स अलग होता है और प्रैक्टिकल करंट सोर्स अलग होता है। तो फिलहाल यहां पे आइडियल करंट सोर्स की बात हो रही है और यहां पे पूछा है कि आइडियल करंट सोर्स में 0 इंटरनल क्या होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइडियल करंट सोर्स में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को ही 0 इंटरनल कंडक्टेंस बोलते हैं। तो यहां पे ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कंडक्टेंस, एन आइडियल करंट सोर्स हैज 0 इंटरनल कंडक्टेंस। हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके एग्जाम में ऐसा आए कि एन आइडियल करंट सोर्स हैज इनफाइनाइट ब्लैंक। अगर ऐसा आया तो आपको बोलना है आइडियल करंट सोर्स हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है ना, इनफाइनाइट वर्ड आ सकता है या 0 वर्ड आ सकता है। अगर 0 वर्ड आया तो आपको बोलना है 0 इंटरनल कंडक्टेंस, और अगर इनफाइनाइट वर्ड आया तो बोलना है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है ना, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू 0 इंटरनल कंडक्टेंस। ठीक है, तो फाइनली हमने यहां टोटल 15 फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस को स्टडी कर लिए हैं। ठीक है, सभी के सभी 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस, देखो ये पहले स्लाइड में हमने 8 क्वेश्चंस को स्टडी किए थे और नेक्स्ट स्लाइड में हमने रिमेनिंग क्वेश्चंस को रखा है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन और उनके आंसर्स सब कुछ समझ में आ गया होगा। बीच बीच में जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं वो आपने अपने नोटबुक में जरूर लिख के रखे होंगे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये फर्स्ट पार्ट था फिलिंग द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस का, और ये हमने आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फिलिंग द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस लिए। आगे जो अदर ब्रांचेस है उनके भी हम फिलिंग द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस आपके लिए जरूर लाएंगे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।